पार्टी की प्रेस वार्ता में छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे ने ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 की निरस्त हुई भर्ती तथा रोजगार मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा। देखे संवाददाता विनय मिश्रा की रिपोर्ट। उन्होंने तमाम तरीके की नौकरियां छोड़ी जहां उनकी नौकरियां लग चुकी थी। तमाम मैसेजेस आ रहे कल से, किसी के पिताजी मजदूरी करते थे, किसी के पिता ने अपना खेत गिरवी रखा था, कोई बच्चा 5 साल 6 साल 10 साल से इलाहाबाद मेरठ लखनऊ में तैयारी कर रहा था, 8x10 के कमरे में तैयारी कर रहा था, आज वह अवसाद ग्रसित हो गया। तमाम नौजवानों से रिपोर्ट मिल रही कि आगरा में, इलाहाबाद में और तमाम जनपदों में हमारे कुछ अभ्यर्थी जो इस भर्ती से जुड़े हुए थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। मेरी सरकार से एक निवेदन करता हूं आप सब चैनल के माध्यम से, उत्तर प्रदेश का नौजवान अगर परीक्षा में फेल हो जाए तो उसे कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वो जानता है कि हो सकता है इस बार उसकी तैयारी नहीं रही। लेकिन आपका ये जो रवैया है, जब अपने सपने को साकार करने के लिए दरवाजे पे खड़ा था, जब दरवाजे पे खड़ा था कि उसका सपना साकार होने जा रहा है, उसके माँ बाप के अरमान पूरे होने जा रहे हैं, उन अरमानों का कत्ल करने का काम आपकी सरकार ने किया है। तो जिस तरीके से 12 भर्तियां सरकार ने निकाली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, और जिसमें ये बहुत महत्वपूर्ण भर्ती थी ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 की, मैं सरकार से एक निवेदन करूंगा कि सबसे पहले जो SIT की जांच आपने बैठाई, उसके पहले जो 1553 नौजवानों का सत्यापन शुरू हुआ था, उनको आप जो है नियुक्ति देने का काम करें, उनके साथ आप कोई भेदभाव करने का काम कतई मत करें। दूसरा, 12 भर्तियां निकाल के 51 लाख नौजवानों से जो आवेदन लिया आपने, और आज सारी की सारी भर्तियां जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में लंबित पड़ी हुई हैं विभिन्न कारणों से, मैं आज सरकार से मांग करता हूं कि इन तमाम भर्तियों की कोर्ट मॉनिटर जांच की जाए और टाइम बाउंड उसमें की जाए कि इतने दिनों के अंदर ये जांच पूरी होगी, और जो भी भर्ती हैं उनसे जुड़े जो भी मंत्रालय हैं उन तमाम मंत्रियों को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस भर्ती में एक तरीके से प्रभाव डाल सकते हैं, उसको उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। दूसरा, जिन भी अभ्यर्थियों ने परीक्षा फॉर्म भरा, परीक्षा दिया, उनका 1000 1500 2000 रुपये खर्चा हुआ, उन नौजवानों को आपको पुनः निःशुल्क ये भर्ती निकाल के उनसे आवेदन लेना चाहिए, उनका पुनः निःशुल्क परीक्षा करानी चाहिए। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।